गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर फोर, दैट इज इवन एंड ऑड नंबर। व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज एन ऑड नंबर? चिल्ड्रन, इवन नंबर, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। वह नंबर जो दो से डिविजिबल होता है उसी को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स में 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on। इसका पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर ये है तुम्हारा इवन नंबर है? द नंबर एंडिंग इन, वह नंबर जिसका अंत होता है 0, 2, 4, 6, 8, या तो 0, 2, 4, 4, 6, 8 से इसका एंड होता है उसी वही इवन नंबर होता है। नेक्स्ट है ऑड नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। वह नंबर जो दो से डिविजिबल नहीं होता है वही ऑड नंबर होता है। एग्जाम्पल्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and so on। नेक्स्ट है द नंबर एंडिंग इन 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नंबर। जो नंबर एंड करता है या तो 1 से, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 9 से, इसी को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1, रिंग द ऑब्जेक्ट इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है दो, दो दो का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको घेर दीजिए। टू फाइंड वेदर दे आर इवन और ऑड, इवन या ऑड पता करने के लिए। देन काउंट एंड राइट द नंबर इन द करेक्ट कॉलम, उसके बाद काउंट कीजिए और राइट कीजिए नंबर को करेक्ट कॉलम में जहाँ इवन है कि ऑड। अब ये वन पेयर बना, ये दो पेयर बना, ये तीन पेयर बना, ये बच गया, तो बच जाने के मतलब ऑड हो गया, तो ऑड पर हम टिक लगा देंगे कितना हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर हम लिख देंगे 7। चिल्ड्रन, ऑड में 7 लिख देंगे। फिर अब यहाँ पेयर लगाएंगे 1, 1, 2, दो का पेयर होता है, दो दो लगा दिए, फिर सॉरी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा और इसको इसको कर देंगे, वन पेयर हो गया। तो अभी हो जाता है 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, 4 इवन नंबर हो जाता है, यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है की काउंट करेंगे 1, 2, एक पेयर हो गया, फिर 1 पेयर हो गया, फिर 1 पेयर हो गया, फिर 1 पेयर हो गया, 4 पेयर बना, एक बच गया, इसका मतलब बच जाने का मतलब कि और नंबर, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसको हम लोग लिख देंगे 9। फिर अब इसको हम पेयर लगाएंगे 1 पेयर, फिर 1 पेयर, फिर एक बच जाता है, इसका मतलब ऑड नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड वी राइट 5 इन द बॉक्स। चिल्ड्रन, पेयर करेंगे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर, एक बच गया, इसका मतलब आउट हो गया। टोटल काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो जाता है 13। नेक्स्ट हो जाता है कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स इवन हो गया। कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 हम देख देंगे इस बॉक्स में। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेयर, टोटल काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 हो जाता है, क्योंकि बचा नहीं है कुछ, इसलिए हो जाता है इवन नंबर। नेक्स्ट 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर और
एक बच जाता है चिल्ड्रन, इसका मतलब ऑड हो गया। टोटल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, we write 17. Answer question number, page number 47, question number 2. In circle the odd number, जो odd number इसमें दिए गए हैं उसको घेर देना है। 11 क्योंकि last में 1 है इसलिए odd हो गया। 26 last में 6 है इसलिए odd नहीं हुआ। 33 last में 3 है इसलिए odd हो गया। 48 में last में 8 है इसलिए odd नहीं हुआ। 52 में last में 2 है इसलिए odd नहीं हुआ। 91 में 1 last में इसलिए odd हो गया, घेर दिए। नेक्स्ट हो जाता है 7 ऑड हुआ, 3 ऑड हुआ, 22 का लास्ट नंबर और 2 है इसलिए इवन हो गया, 65 में लास्ट नंबर 5 है इसलिए ऑड हो गया, 50 में 5 0 हो जाता है, 15 तो 5 0 0 हो जाता है और इवन नंबर इसलिए ऑड नंबर नहीं हुआ, 83 का लास्ट नंबर हो जाता है 3, दैट इज ऑड नंबर इसलिए हमने और नंबर को लगा दिया। 74 में 4 हो जाता है इवन नंबर इसलिए छोड़ दिया, इवन हो गया। 56 में 6 हो गया इवन नंबर। 17 में हो जाता है 7 हो गया, 7 हो गया ये और नंबर इसलिए 17 हो जाता है और नंबर। 9 हो गया और नंबर। 68 में 8 हो जाता है तुम्हारा इवन नंबर इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिए। 39 में 9 हो जाता है ऑड नंबर इसलिए ऑड नंबर को घेर दिए। 95 में 5 हो जाता है ऑड नंबर इसलिए ऑड नंबर हो गया। 78 में 8 हो जाता है इवन नंबर इसलिए इवन नंबर हो गया। 54 इवन नंबर है। 24 में लास्ट नंबर 4 हो जाता है, दैट इज इवन नंबर नहीं लेंगे। 43 में 3 हो जाता है ऑड नंबर ले लिए। 82 में 2 हो जाता है लास्ट नंबर इवन नंबर इसलिए छोड़ दिए। 43 में लास्ट डिजिट हो जाता है तुम्हारा 0, दैट इज इवन नंबर। 1 हो जाता है ऑड। 18 हो जाता है लास्ट डिजिट, 18 में लास्ट डिजिट हो जाता है 8, दैट इज इवन नंबर। 19 में हो जाता है लास्ट डिजिट 9, दैट इज ऑड नंबर। 26 में लास्ट डिजिट हो जाता है 6, इसलिए ये हो जाता है इवन नंबर। 56 में लास्ट डिजिट हो जाता है 7, इसलिए हो जाता है ये ऑड नंबर। नेक्स्ट 97 में लास्ट डिजिट हो जाता है 97, दैट इज ऑड नंबर। 49 में लास्ट डिजिट 9 हो जाता है इसलिए ये हो जाता है ऑड नंबर। 1010 में हो जाता है इवन नंबर, हटा दिए। नेक्स्ट में हो जाता है तुम्हारा 72 में 2 लास्ट डिजिट हुआ जो इवन नंबर है, हटा दिए। 88 में लास्ट डिजिट 8 है जो इवन नंबर है, छोड़ दिए। 95 में लास्ट डिजिट 5 है जो ये ऑड है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। चिल्ड्रन पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 3, इन सर्कल द इवन नंबर। इवन नंबर की पहचान है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो, वही हो पाएगा। अब देखो लास्ट डिजिट 0 है इसलिए इवन हो गया, लास्ट डिजिट 3 है इसलिए ऑड हो गया, छोड़ दिए। लास्ट डिजिट 8 है इसलिए इवन हो गया, लास्ट डिजिट 7 है इसलिए ये ऑड हो गया, लास्ट डिजिट 6 है इसलिए इवन हो गया, लास्ट डिजिट 4 है इसलिए इवन हो गया, लास्ट डिजिट 9 है इसलिए ऑड हो गया, लास्ट डिजिट 4 है इसलिए हमारा हो जाता है 4 इवन नंबर। लास्ट डिजिट 7 है ऑड, लास्ट डिजिट 2 है इवन, लास्ट डिजिट 3 है ऑड, लास्ट डिजिट 8 है इवन, लास्ट डिजिट 1 है और 1 हो जाता है ऑड, लास्ट डिजिट 4 है इवन, लास्ट डिजिट 55 है 5 है इसलिए हो जाता है 5 का मतलब ऑड नंबर। लास्ट डिजिट 7 है ऑड, लास्ट डिजिट 0 है 0 है इसलिए इवन हो जाता है, लास्ट डिजिट 1 है इसलिए ये हो जाता है ऑड नंबर, छोड़ दिए। लास्ट डिजिट 9 है ऑड नंबर, लास्ट डिजिट 66 है इवन नंबर, लास्ट डिजिट 6 है इसलिए इवन नंबर, लास्ट डिजिट 49 है इसलिए ये हो जाता है ऑड नंबर, लास्ट डिजिट 9 है इसलिए ऑड नंबर, लास्ट डिजिट 84 है इसलिए हो जाता है इवन नंबर, लास्ट डिजिट 44 है ये हो जाता है तुम्हारा इवन नंबर, लास्ट डिजिट 34 है ये हो जाता है इवन नंबर, लास्ट डिजिट 25 है ऑड नंबर, लास्ट डिजिट 83 है ऑड नंबर, लास्ट डिजिट 42 है 42 है इवन नंबर, घेर दिया। लास्ट डिजिट 6 है इसलिए इवन नंबर, लास्ट डिजिट 73 है ऑड नंबर, लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 3 है
इसलिए ऑड नंबर लास्ट डिजिट जीरो है, इसलिए हो जाता है इवन नंबर। लास्ट डिजिट 9 है, ऑड नंबर लास्ट डिजिट 2 है, ये हो जाता है इवन नंबर। लास्ट डिजिट 77 है, ऑड नंबर लास्ट डिजिट 41 में 1 है, ऑड नंबर, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। चिल्ड्रन पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेक्स्ट 5 इवन नंबर, 5 इवन नंबर लिखना, 62 64 66 68 70 72 74। नेक्स्ट है 10 12 14 16 18 20 22। नेक्स्ट 86 88 90 92 94 96 98। नेक्स्ट है 28 30 32 34 36 38 40। नेक्स्ट है 44 46 48 14 48 के बाद हो जाएगा नेक्स्ट 50 52 54 56। चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स, 13 15 नेक्स्ट 17 19 21 23 25 71 73 75 77 79 81 83 नेक्स्ट है 89 91 93 95 97 99 101 नेक्स्ट है 55 57 59 61 63 65 67 नेक्स्ट है 27 29 31 33 35 37 39। चिल्ड्रन टू जो भर, आई विल टीच द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय 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 बाय।